सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल स्विफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम मैकेनिकल हैंडलिंग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने मटेरियल हैंडलिंग या मैनुअल हैंडलिंग के बारे में अभी तक नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं वीडियो को। फिर आप यह वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी इजीली होगी समझने में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ द मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट्स नेम ऑफ मैकेनिकल हैंडलिंग, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं मैकेनिकल हैंडलिंग के समय और उसमें क्या क्या हज़ार्ड उत्पन्न होते हैं। मैकेनिकल हैंडलिंग जब हम करते हैं तो कौन से हज़ार्ड उत्पन्न होते हैं और उस हज़ार्ड से बचने के लिए हमें कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज अ मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। तो एनी ट्रांसपोर्टिंग और सपोर्टिंग ऑफ लोड इंक्लूडिंग पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, कैरिंग और मूविंग बाय मैकेनिकल। यानी कोई भी ऐसी वस्तु या हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं या उठाते हैं, रखते हैं किसी भी वस्तु को, अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं और बाय मैकेनिकल करते हैं यानी मशीन के द्वारा करते हैं या हाइड्रोलिक फोर्सेस के द्वारा करते हैं तो हम उसे मैकेनिकल हैंडलिंग कहते हैं। मैकेनिकल हैंडलिंग के कुछ इक्विपमेंट्स हैं और क्रेन है, क्रेन कई प्रकार के होते हैं, होइस्ट है, होइस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, स्लिंग जो यूज़ करने में काम आती है, पुली, चेन पुली, पुली भी कई प्रकार के होते हैं, मोटर व्हीकल लिफ्ट। आप देखते होंगे रोड पर कई इस एक्सीडेंट होते हैं तो उस गाड़ियों को हटाने के लिए मोटर व्हीकल लिफ्ट का यूज़ होता है, कन्वेयर, ये भी एक प्रकार का मैकेनिज्म है। अब हम समझते हैं इसके हज़ार्ड के बारे में। तो इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं या क्रेन यूज़ करते हैं, कोई भी लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स यूज़ करते हैं, वो इंस्पेक्शन ना होना, या जो हम लिफ्टिंग के समय जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो इनप्रॉपर होना चाहिए या रॉन्ग तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, हज़ार्ड होने के चांसेस रहते हैं, हमारी फिंगर्स कट हो सकती है सांप एजेस अगर रहते हैं तो। कोई भी इक्विपमेंट जब हम यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल फेलियर नहीं होनी चाहिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं कोई भी तो उसके जगह स्पेस होना चाहिए। यानी क्रेन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्रेन के मूवमेंट के लिए स्पेस होना चाहिए, लिफ्टिंग प्रोसीजर सही तरीके से होना चाहिए, जो ऑपरेटर होते हैं वो सही होने चाहिए, रिगिंग सही तरीके से होना चाहिए। कोई भी लिफ्टिंग मटेरियल्स अगर आप उठा रहे हैं या रख रहे हैं तो उसको ईजिली रखना चाहिए, नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अब हम उसके प्रिकॉशंस के बारे में समझ लेते हैं कि आप जब भी यूज़ करते हैं या लिफ्टिंग के कामों में आप लगे हैं तो आपके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। लिफ्टिंग टूल्स जो है वो इंस्पेक्टेड होना चाहिए और उस पर लोड कैपेसिटीज लिखे हुए होने चाहिए ताकि आप इजीली यूज़ कर सकें, दिक्कत ना हो, और ऑथोराइज पर्सन ही इस सब रिगिंग और या लिफ्टिंग के कामों में कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन नंबर और उस पर सेफ वर्किंग लोड मैंने पहले ही बोल रखा था, चाहे आप क्रेन यूज़ कर रहे हैं या पुली यूज़ कर रहे हैं या लैच यूज़ कर रहे हैं, ये सब पे लगा होना चाहिए। उसके इमरजेंसी स्विच काम कर रहे हैं कि नहीं, लिमिट स्विच काम कर रहे हैं कि नहीं, और जहां हम लिफ्टिंग या की काम करते हैं या मैकेनिकल हैंडलिंग करते हैं उसी जगह पर ही लिफ्टिंग टूल्स होने चाहिए, ये नहीं कि स्टोर में है और दौड़ के जाके लेके आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आई कॉन्टैक्ट बने रहने चाहिए मूवमेंट के समय, मटेरियल जब मूवमेंट होता है स्लिंग में रहता है तो आपका आई कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करिए ताकि आप यह कह सके या अपने वर्कर को समझा सके कि दुर्घटना ना हो। थोड़ा सा स्पीड उसके स्लो करके ही लिफ्टिंग लोअरिंग करना चाहिए और बैरिकेड कर देना चाहिए आसपास की जगह पर। तो आई होप आपने मैकेनिकल हैंडलिंग को काफ़ी इजीली तरीके से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।